दोस्तों ग्लैमर में कई स्टार किड्स ऐसे रहे हैं जिन्हें उनके माता पिता से भी अधिक कामयाबी मिली है, मगर कुछ की किस्मत उसके विपरीत ही है। अभिनेता कुमार गौरव का भी कुछ ऐसा ही हाल है। उनकी शुरुआत तो काफ़ी सॉलिड तरीके से हुई थी, मगर अंत फ्लॉप फिल्मों की लाइन से हुआ है। आज कुमार गौरव फिल्म इंडस्ट्री से अलग लाइन में काम कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्रीज में किसी का भी करियर स्टेबल नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि स्टार्डम आज किसी कलाकार के पास है, वह जरूरी नहीं कि कल भी हो। ऐसे तमाम कलाकार हैं जिन्हें शुरुआत में पॉपुलरिटी मिली, लेकिन चकाचौंध की दुनिया में उसका स्टार्डम डगमगा गया। ऐसे ही एक अभिनेता थे कुमार गौरव, जो कि इस 11 जुलाई को 67 वर्ष के हो जाएंगे। 80 के दशक के कुमार गौरव को 1981 में रिलीज हुई फिल्म लव स्टोरी से ओवरनाइट फेम मिला था। उनके चार खूबसूरत नए नक्श और हर संवाद के साथ बदलने वाले एक्सप्रेशन और विजेता पंडित के साथ जोड़ी ने लोगों को अपना दीवाना बना दिया। सबने मान लिया था कि कुमार गौरव भी अपने पिता राजेंद्र कुमार की तरह बड़े स्टार बनेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पहले ही फिल्म में कुमार गौरव ने अपनी टक्कर के कई हीरो की छुट्टी कर दी थी। राजेश खन्ना के बाद वह दूसरे अभिनेता बताए जाते हैं जिन्हें ओवरनाइट स्टारडम नसीब हुआ था। लव स्टोरी के बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। उन्होंने रोमांस, लवर्स, तेरी कसम, ऑलराउंड जैसी तमाम फिल्में की, लेकिन इन फिल्मों में उनका वह जादू नहीं चल सका जो पहली फिल्म में देखने को मिला था। इसी बीच कुमार गौरव को फिल्में मिलना भी बंद हो गई। कुमार गौरव की आखिरी फिल्म 2006 में आई माय डैडी स्ट्रॉन्गेस्ट बताई जाती है। आज कुमार गौरव चकाचौंध की दुनिया से कोसों दूर है। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में तो कामयाबी नहीं मिली, मगर समय पर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू करने का उनका फैसला सही साबित हुआ। वक्त रहते कुमार गौरव ने अपने लिए दूसरा रास्ता चुना और खुद के बिजनेस पर फोकस किया। कुमार गौरव ने मालदीप में कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू किया। साथ ही उन्हें इस बात का कोई मलाल नहीं है कि बॉलीवुड में उन्हें मनचाही सफलता नहीं मिली। वह अपने बिजनेस से बेहद खुश हैं। बता दें कि कुमार गौरव की शादी संजय दत्त की बहन नम्रता दत्त से हुई है और उनकी दो बेटियां हैं, सांची और सिया। इस प्रकार की खास जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।